हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी का स्वागत है। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गई जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा लेट आए आज। तो डेली एनालिसिस द हिंदू का जो चल रहा है आपका, जल्दी से सब लोग आ जाएं यहाँ पर। और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं सेशन को। काफ़ी लोग यहाँ पर लेट होने को शायद ना आ पाए, लेकिन हाँ स्टार्ट हो गया फिर से एक बार। और देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें आज की इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज की करंट अफेयर में क्या क्या न्यूज़ रही हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका मोटिवेशनल कोट, मेहनत करना आपका काम है, बाकी सब ऊपर वाले के नाम है। मतलब कि सिंपल सी बात है, जैसा कि आप हर एक चीज़ में देखेंगे, हर एक जितनी भी आपके आसपास की जितनी भी गाइडलाइंस है, जो भी जितने भी धर्म के लोग फॉलो करते हैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को, वो जानते होंगे कि मेहनत के लिए सभी का एक कहा गया कर्म करना आपका काम होता है। जैसे आप संस्कृत के देखें या कोई भी श्लोक देखें, सभी जगह आपको अपने कर्म को करने की ही बात की गई है। बाकी चीज़ें जो है रेस्ट ऑफ दिस गॉड पे डिपेंड करती हैं। आपका रिजल्ट, जैसे एग्जामिनेशन में आपके और एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं, रिजल्ट देना आपके टीचर का काम है। वो आपको कितना मार्क्स देते हैं, कितना मार्क्स नहीं देते, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो फॉलो यही करना है आपको सिंपली आपके लाइफ में भी। और आज के सेशन में बता दूं कि मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट तो होंगी, लेकिन हाँ सीक्वेंस में चलती रहेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर आप भी अच्छे समझ पाएंगे क्या क्या चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम के लिए हैं भी। तो देखिए, पहली न्यूज़ जो आपके सामने है, यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई है। उसमें कहा गया है कि हर एक 5 में से एक भारतीय ने कोरोना वायरस को, यहाँ पर उसको कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से गुजर चुका है वो, एक्सपोज टू द नोवल कोरोना वायरस। तो कहा गया 3-फोल्ड राइज सिंस अगस्त, बोला गया था लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन स्टिल वल्नरेबल, मतलब कहा गया संकट में थी। आईसीएमआर का कहना था बहुत ज्यादा नंबर में जो लोग थे यहाँ पर संकट ग्रस्त थे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाते हैं, आगे और भी पूछ सकते हैं जो रिपोर्ट्स आती हैं। इन रिपोर्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि अभी भी पूरी तरीके से हम लोग कोरोना मुक्त नहीं हुए हैं। और ये भी कहना है कि पूरी तरीके से मुक्त ना होने, मतलब अभी भी हमको वो चीजें आपको रिस्ट्रिक्शंस में रखनी पड़ेंगी, मतलब आपको वो चीज़ें अभी आपको कह रहे हैं, मतलब कि अभी भी आप प्रिकॉशंस में रहें, अभी भी चीज़ें प्रॉपर आप मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर रखें। ये केसेस कम हुए हैं, केसेस कम होने का मतलब बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, तो केसेस कम हुए हैं और प्रिकॉशन में रहना। और ज़्यादातर लोगों में कोरोना वायरस का एक तरीके से एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं, इसलिए जो एक उनका एक तेजी से बढ़ने वाला रेशियो वो थोड़ा सा कम हो गया है यहाँ पर। नियरली 1 in 5 हैज क्यूर, ऐसा सीरो सर्वे ने रिपोर्ट बताया। तो आईसीएमआर का कहना है सीरोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज बीन फाउंड दैट रफली 3-फोल्ड राइज हुआ था आपका, 3-फोल्ड 30-फोल्ड इंक्रीज इन सिंस मई से होकर लेकर अभी तक, और व्हेन अ प्रीवियस राउंड ऑफ द सर्वे वर कंडक्टेड। तो यहाँ पे देखने को मिला, जो आपको बताया गया अगस्त में देखा कितना एक्सपोजर कितना हुआ था, 0.7%, और अगस्त से लेकर सितंबर तक हुआ 7.1, और आपका दिसंबर से जनवरी 8 के बीच में 21.5। ठीक है, तो ये न्यूज आपकी आई। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि यूएस गवर्नमेंट, देखिए आपका जो किसान का जो आंदोलन है, जो भारतीय किसानों ने जो आंदोलन कर रखा है, ये भी इंटरनेशनली थोड़ा सा लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होने लगे हैं। इंटरनेशनली इन्वॉल्वमेंट मतलब जो बाकी के देश भारत से साथ में, अभी आपने देखा था वर्ल्ड की पॉप स्टार के आपका रिहाना का ट्वीट आया, उसके बाद कुछ आपके जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुंगर का आया, और अदर यूएस गवर्नमेंट हैज स्पोकन ऑल्सो इंकरेजिंग द डायलॉग एंड सपोर्टिंग द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट की बात की है। यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट है, इनका सिंपल सा कहना है बातचीत से मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए। और दुनिया का जो इन्वॉल्वमेंट है, ये दुनिया के प्लेटफॉर्म पे जो इसके लिए चलाया जा रहा है कैंपेन, इसके लिए गवर्नमेंट भी एक चिंतित है कि ये कैंपेन दुनिया भर के लोगों के बीच में कैंपेन क्यों चल रही है। और इंडियन फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है, जो कि इंडियन फार्मर्स का प्रोटेस्ट जो लेके चलाया जा रहा है, ये देश की गवर्नमेंट ज्यादा अच्छा सुलझा पाएगी, विदेश की गवर्नमेंट सुलझा पाएगी, ये देखने के बाद कि गवर्नमेंट अगर किसानों को अपने देश के यहाँ पर रहकर अपने यहाँ के लोगों पर इतना ज्यादा जो डायलॉग पे उनको कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है, तो ये बाकी जगहों पे जाकर इस तरह की बातें करने से क्या फायदा होता है। और जो दुनिया भर के लोग जो यहाँ पे इसको लिए कह रहे हैं किसानों का होना चाहिए, तो आई होप, मुझे लगता है कि जितने भी स्टार्स यहाँ पे बोल रहे होंगे उनको ये भी कंफर्म नहीं होगा कि 3 किसान बिल जो आए हैं वो है क्या, एक्चुअल में है क्या। लोगों के यहाँ पर जो एग्रिटेशन है, एक तरह से कह सकते हैं स्टबर्न हो चुका, मतलब जिद हो चुकी है लोगों में। जैसे जो किसान है उनको भी लगता है कि हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, तो हठधर्मिता होती है उसमें, एक बीच का रास्ता जो निकलना, सरकार का भी मानना कि बिल्कुल हम नहीं कर पाएंगे, का खत्म नहीं कर पाएंगे। और दोनों तरफ की अगर बातें सुने तो एक चीज से एक आपको एक कंफर्म हो जाएगा, आपको जो चीजें सामने निकल के आएंगे, कंक्लूजन जो आपका फार्मर्स को बाहर निकल के आता है, उनका ये मानना कि हमें इस चीज को बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करना, एक्सेप्ट ही नहीं करना है।
और हर चीज को वो बिल्कुल डिक्लाइन करना चाहते हैं, मतलब प्री माइंड सेटअप उनका है कि हम सरकार की किसी बात पर बात नहीं सुनने वाले। तो उस केस में गवर्नमेंट को भी एक तरीके से अपनी बात को लगता है अब हमारी बात करना बेवकूफी होगी। तो उनका सिंपल सा मानना कि आप अगर किसी मुद्दे को लेकर आते हैं, किसी भी बिल के अंदर कोई ऐसा डाउट लेकर आते हैं, बिल के किसी पोर्शन पे आप कोई बात करना चाहते हैं, तो हम लोग बिल्कुल रेडी हैं बातचीत के लिए, रेडी हैं। लेकिन किसान बातचीत के लिए रेडी नहीं, वो कह रहे हैं हम बातचीत नहीं करना चाहते, हम तो ये आपसे कहना चाहते हैं किसान बिल हटा दीजिए। तो हटाने मतलब हटा दीजिए का मतलब सिंपल सा गवर्नमेंट का कहना है हटाना तो वो एक सोल्यूशन ही नहीं है। किसी भी चीज प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आप सिंपल बताइए कि तीन किसान बिल जो हम लोग लेकर आए हैं, उन तीनों में से कौन सा ऐसा चीज है जो आपको एक्सेप्ट नहीं है, उस चीज पर हम लोग डिबेट करना चाह रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा किसान जब बात कर रहे हैं तो मुद्दा क्यों नहीं सुन रहा, किसान बात करना नहीं चाह रहे, किसान चाह रहे हैं मैं अपनी बात कह रहा हूं कि आप तीनों बिल हटा लीजिए, एमएसपी पर रिटर्न गारंटी दे दीजिए और हमारे जो विद्युत जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल था उसको हटा दीजिए। तो चीजों को हटा देना मतलब उसको चेंज करना। तो ये चीजें आपकी यहाँ पर जो बीच में कंट्राडिक्शन पैदा कर रही है लोगों के बीच में, मतलब सरकार और किसानों के बीच में मेन लड़ाई यही कि सरकार चाहती है कि आप मुझे डाउट बताइए, किसान कहते हैं डाउट की बात ही नहीं पूरा बिल ही हटाइए। तो ये इस केस में सरकार कह रही है बिल इतना बनता है ऐसे आसान काम नहीं होता है, कई प्रोसेस होकर गुजरता है और उस बिल के ऊपर आप कोई अपनी जिद को साबित करना चाह रहे हैं नहीं हम बिल नहीं लाने देंगे। तो ये एक तरीके से आप हमारी बात में कमियां निकालने के बजाय हमारे काम को ही आप नहीं पसंद कर रहे, सिंपल सा ये लॉजिक, और इसी की वजह से सारी चीजें चल रही हैं। और इसी पर यूएस गवर्नमेंट ने भी कहा है पीसफुल होना चाहिए और डायलॉग इंकरेज करना चाहिए, सपोर्टिंग होना चाहिए, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट है उनको राइट करना है यहाँ पर कर देना चाहिए। आगे पूछा गया स्टेटमेंट रिलीज बाय द एम्बेसी इन न्यू दिल्ली दैट थ्रू द स्टेट डिपार्टमेंट स्टेटमेंट रिलीज वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टेड ऑन थर्सडे वॉशिंगटन ऑल्सो वेलकम स्टेप दैट वुड इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ इंडियन मार्केट। जो आपके भारत में मार्केट का जो बदलाव हुआ है, जो बजट में जो चेरी आई है उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट डाल की। कैपिटल अटैक कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लिंक द वेंडलिज्म ऑफ द रेड फोर्ट ऑन रिपब्लिक डे एंड द January 6 अटैक ऑन द यूएस कैपिटल्स। इट सेड इन द इंटरनेट एसेस वॉज सट ऑफ द प्रिवेंट वायलेंस। तो इसके लिए बंद किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं एचएएल प्लानिंग टू एक्सपोर्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कल हम लोगों ने आपको बताया था कि एचएएल को अब तक की सबसे बड़ी डील मिली है 48,000 करोड़ की, जिसमें उनको तेजस के विमान देने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एयरफोर्स को शामिल करने के लिए। उसी केस में अब एचएएल चाहता है कि अपने इस प्रोडक्ट को दुनिया भर में बेचना चाहता है, मतलब एक्सपोर्ट करना चाहता है। आई विल ऑफर द सेम वर्जन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स यूजिंग द फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज एंड द अदर सेम प्राइस। सीएमडी माधवन ने कहा कि हम यही चीज जो हम अपनी इंडियन एयरफोर्स को दे रहे हैं, यही वर्जन अपने मित्र देशों को भी देना चाहेंगे और सेम प्राइस पर देना चाहेंगे जो हम अपने देश की एयरफोर्स को दे रहे हैं। तो ये उन्होंने अपना बयान दिया है और कहा हम इसको बेचना चाह रहे हैं, मतलब कि एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत जो है, इंडिजिनस जो आपका इंडिया है, वो पूरी तरीके से वर्ल्ड लेवल पे जाने को तैयार है। और ऐसा रक्षा मंत्री जी का भी स्टेटमेंट था कि हम अपनी देश की रक्षा के लिए विदेशों पर निर्भर ज्यादा दिन नहीं रह सकते, अभी तक हमने बहुत निर्भरता दिखाई दोनों पर, हम अपने यहाँ पर नहीं डेवलप कर पा रहे थे। तो तेजस जो लाइट का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है विद द कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया showing the interest in buying the HAL, chairman the managing director R Madhavan said that the Thursday HAL MK1A jet would be cost 306 crore। एक जहाज की कीमत जो आने वाली है 306 करोड़ के करीब आने वाली है और सरकार ने इसको 48,000 करोड़ की डील की है। 83 LCA विमान जो लिए हैं, जिसमें से आपके MK आपका जो LCA MK1 आपके 10 होंगे और MK1A आपके 73 होंगे। तो ये लिए गए 36,000 करोड़ वर्थ ऑफ द क्लोज ऑफ द 6,000 करोड़ डायरेक्टली गोज टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एंड एज आर वी आर सप्लाइंग द ग्राउंड सपोर्टर इक्विपमेंट एंड अदर थिंग्स अनदर 3,000 करोड़ इन एक्सपेक्टेड टू गो वार्ड इंडियन पार्टनर्स। तो कहा गया सिंपल से फर्दर 2,200 करोड़ इन एक्सचेंज रेट वेरिएशन वाइल द कस्टम टैक्सेस एंड सम ऑफ द अराउंड 7,000 करोड़ टुगेदर मेकिंग अराउंड 9,000 करोड़ ऑल्सो। तो ये बोला गया है कि हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं अनमैन्ड फाइटर भी बनाए तैयारी कर रहे हैं। एच ए एल ऑल्सो अनाउंस द अनमैन्ड फाइटर एन एम्बिशियस फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट जिसपे कोई भी इंसान नहीं होगा और वो लड़ाकू विमान होगा जिसमें बिना इंसानों के वो चलाया जा सकता है। तो उसके लिए भी आपके यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया कॉल द कॉम्बैट एयर ट्रेनिंग सिस्टम जो है एयर टीमिंग सिस्टम लगे होंगे। अ सीनियर एच ए एल ऑफिशियल टर्म द प्रोजेक्ट द ड्रीम एंड द फ्यूचर एच ए एल।
हाउ द ड्रीम एंड द फ्यूचर ऑफ एच एयर करेगा, डिसाइड करेगा एंड कैट्स हंटर कैट्स वॉरियर एंड अल्फा एस ऑफ विच ऑफ द एन आर अनमैंड सिस्टम एंड विच आर कंट्रोल्ड बाय अ मैन मदर एयरक्राफ्ट। यहाँ पे सिंपल सी बात है, बाकी एयरक्राफ्ट से जो कंट्रोल किए जाने वाले, तो ये इनकी पॉलिसी है। और आने वाले समय में एच ए एल भविष्य में कितना काम करेगा, जैसे हम दूसरे देशों के जहाज खरीदते हैं वैसे इंडिया के जहाज कितने लोग खरीदते हैं देखा जाएगा। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। नेक्स्ट, अब बात करते हैं 1 in 5 इंडियन एक्सपोज कोरोना वायरस, आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं जेके बिल टू मर्ज कैडर इंट्रोड्यूस। एक सिंपल सी बात है, कैडर होता है जिसमें केंद्र सरकार के सभी लोग काम करते हैं, मतलब कि जो इम्प्लॉय होते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के, उनको कैडर अलॉट होते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे एक सिंपल मैं पूछता हूँ, थोड़ा सा जानकारी आपके लिए, कि भारत में कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जिनको कैडर अलॉट होता है। भारत में कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं ये आपको बताना है, और ऑल इंडिया सर्विसेज किस आर्टिकल में आती है ये भी बताना है। जल्दी से बताइए, ऑल इंडिया सर्विसेज कितनी भारत में जिनको कैडर अलॉट होता है, और उन्हीं कैडर को यहाँ पे मर्ज किया, क्योंकि जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब चुनता है तो उसको कुछ इंसान कैडर दिया जाते हैं, जैसे आपने सिविल सर्विसेज को देखा होगा। तो इसी तरह के कितनी ऐसी जॉब है जिसमें कैडर अलॉट होता है, मतलब उन्हें ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। और अभी रिसेंटली जेके का जो जम्मू कश्मीर बिल है टू मर्ज द कैडर इंट्रोड्यूस, उसके कैडर को मर्ज करने के लिए इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब बात करते हैं, अब आप जल्दी बताए कितने कैडर होते हैं, फिर ऑल इंडिया सर्विसेज कितनी होती है, फिर बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जहां पे पूछा गया है, होम आर जी किशन रेड्डी ऑन द थर्सडे इंट्रोड्यूस द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 इन द राज्यसभा। इट सीक्स टू रिप्लेस द ऑर्डिनेंस टू मर्ज द जम्मू कश्मीर कैडर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर सच एज IAS, IPS एंड IFS। आपके इस पूरे आर्टिकल में ही लिखा था तीनों चीजें, IAS, IPS और IFS, तीन सर्विसेज होती है यहाँ पर, पूरा लिखा हुआ देख सकते हैं आप इसको। इन लोगों को रिप्लेस किया जाएगा किसमें, AGMUT कैडर में। AGMUT कैडर यू नो वेरी वेल क्या होता है, देखिए जो आपके कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको एक कंबाइंड कैडर दिया जाता है, उन कैडर के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, वो कैडर कौन सा है। तो देखें, AGMUT कैडर मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम यूनियन टेरेटरी कैडर। ये होता है जब आप किसी को एक यूनियन टेरिटरी का हिस्सा दिया जाता है उसमें मर्ज करने की बात यहाँ पर कैडर, ये आपका मर्ज होने की बात की गई है। द रीजन ऑफ टू इंट्रोड्यूसिंग द बिल वॉज बिकॉज ऑफ द ह्यूज डिफिशियंसी ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इन JK द प्रपोजल सेट। मतलब कहा गया है कि वहां पर बहुत कम ऐसे कार्य करने वाले लोग हैं इसको पूरा करने के लिए, AGMUT कैडर अलॉट होगा जिससे कई अधिकारियों को वहां पर ट्रांसफर किया जा सकता है और वहां वो काम कर सकते हैं। तो ये बिल लाने के पीछे क्या है, डिफिशियंसी ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में आप लोग, जो लोग नहीं जान पाए हैं उनको मैं बता दूं, IAS होता है इंडियन आर्मी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और IPS होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेस्ट होता है फॉरेन नहीं होता है, फॉरेस्ट सर्विसेज। ये आपके तीन ऑल इंडिया सर्विसेज हैं इंडिया में, और कोई ऑल इंडिया सर्विस आपकी इंडिया में नहीं है। बिल्कुल सही बताया, 312 में आता है विजय लक्ष्मी द्विवेदी, बिल्कुल सही बताया आपने, 312 आर्टिकल नंबर 312 है, जिसमें राज्यसभा किसी भी ऑल इंडिया सर्विसेज में चेंज कर सकती है, उसके कंडीशंस को बदल सकती है और उसको लागू कर सकती है, कई भी ऑल इंडिया एग्जाम और क्रिएट कर सकती है, ये भी बात इसमें की गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, वैक्सीन डेथ रिपोर्ट विल बी पब्लिश, पैनल एडवाइजर। कहा गया वैक्सीन से होने वाली डेथ को ये भी पब्लिश किया जाएगा, इसको छुपाया नहीं जाएगा, ये ट्रांसपेरेंसी के तौर पे आपके सामने लेकर आया जाएगा। साइंटिस्ट राइट टू हर्षवर्धन सीक्स ट्रांसपेरेंसी, तो बिल्कुल सही बात कही गई, टू बी पब्लिश तो जल्दी होगी। पैनल एडवाइजर ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो आपकी एक इच्छा है जानने के लिए कि वैक्सीनेशन के बाद कितनी डेथ होती है, ये भी आपको पब्लिश करके रिपोर्ट दी जाएगी, क्योंकि इस चीज को ट्रांसपेरेंसी लेकर सामने लेकर आना, जिससे कि लोगों को ज्यादा जो डर है लेकर वो कम हो। अगर डेथ नहीं हो रही तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि लोगों में डर खत्म होगा वैक्सीन को लेकर और वो लोग वैक्सीन लेना शुरू करेंगे। तो नेशनल एडवर्स इवेंट फॉलोइंग कहा गया है, इम्यूनाइजेशन जो पूछा गया है, तो द एडवाइजर ऑफ नेशनल एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जो पूछा गया, तो इसका फुल फॉर्म पूछा सकता है, आज का सबसे बेहतरीन एक एब्रीवेशन लिख सकते हैं आप लोग, AEFI क्या होता है। तो कहा गया है द एडवाइजर ऑफ नेशनल एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी के एक जो सदस्य हैं, उन्होंने कहा है कि इसकी इम्यूनाइजेशन की रिपोर्ट आएगी आपके सामने, द डेटा विल बी रिलीज, असेसमेंट डेथ कितनी डेथ हुई है ऑन January 31st व्हेन द 11 डेथ ऑफ द हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स वर द
रिपोर्टेड फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ द कोविशील्ड वैक्सीन नियरली टू डजन साइंटिस्ट रोट द हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI को लिखा एंड VG सोमानी अर्गिंग देम द अर्जेंटली इन्वेस्टिगेट देम एंड दे आर रिक्वेस्टेड फाइंडिंग आउट द AEFI कमेटी टू मेक पब्लिक। तो अब तक कुल 11 लोगों की डेथ हुई है वैक्सीनेशन के बाद, जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ उनकी अपनी नॉर्मल नेचुरल बीमारी से हुई है, जो उसमें आपकी कोरोना वैक्सीन की वजह से जितनी डेथ हुई जल्द से जल्द पब्लिश कर दी जाएंगी। एस्टेब्लिश कॉज क्या होगा, द सीक्वेंस ऑफ डेथ इज फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज नॉट एविडेंस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस इज वायरोलॉजिस्ट मिस्टर जैकब जॉन ने बोला। ये कैजुअल्टी एसोसिएशन इन थ्रू एक्सक्लूशन द टाइम रिलेशनशिप ऑफ द डेथ विद द वैक्सीनेशन शुड बी एक्सप्लेन फॉर विच अल्टरनेटिव कॉज शुड बी एस्टेब्लिश थ्रू द इन्वेस्टिगेशन ही एडेड। कहा गया एक टाइम होता है जिसके बाद वैक्सीनेशन के बाद हम उसके बाद डेथ को वैक्सीनेशन को दोषी नहीं मान सकते। Only then can the vaccine the extraordinate if you can find any cause of death you, the young person then you have to attribute the cause of death to the vaccine and when the vaccine is biological cause is least likely to death cause death। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कौन कौन सी चीजें वैक्सीन से हो रही हैं, कौन सी वैक्सीन से नहीं हो रही। एडेनो वायरस वैक्टर एंड द जेनेटिक मटीरियल्स दैट द हेल्प टू मेकिंग द स्पाइक प्रोटीन अनलाइकली टू कॉज द डेथ एंड द वैक्सीन क्वालिटी इन द बैचेज यूज इन दीज सिचुएशन शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें निकल के सामने आएंगी। इस डेथ को क्लियर करने में भी वो आने वाली दिक्कतों के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया गया कि हम ये कैसे कन्फर्म कर पाएंगे कि जो डेथ हो रही है वैक्सीनेशन से हो रही है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिसाइड होना चाहिए उसके बाद ही हम लोग उसको दिखा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द 16 डेथ पीपल इन द 2356 एज ग्रुप हैव बीन एस्क्राइब द कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम और स्ट्रोक द कैजुअल लिंक टू द वैक्सीन हैज बीन रूल्ड आउट द ईच केस। तो कहा गया सिंपल, अगर 23 से 56 के बीच में लोगों को कार्डियोवास्कुलर से डेथ हुई है तो ये वैक्सीन का इनडायरेक्ट कॉज हो सकता है। और ये भी देखना है कि वैक्सीनेशन से कौन कौन सी डेथ और भी तरीके मौत के हो सकते हैं, जरूरी नहीं वैक्सीन से डेथ हुई है सिंपल एक सीधे कारण से हुई हो। नेक्स्ट चलते हैं आगे, अब जानेंगे अमिड रेजिस्टेंस म्यांमार ब्लॉक FB। कहा गया खतरनाक एक ज्यादातर एक उग्र यहां पर विद्रोह देखने के बाद म्यांमार के सैन्य शासक ने वहां पर फेसबुक को ब्लॉक कर दिया। आपको बता दें कि म्यांमार में इंटरनेट का मतलब ही होता है फेसबुक, ध्यान रखें म्यांमार में इंटरनेट का मतलब ही फेसबुक होता है और इसीलिए वहां बंद कर दिया गया, लेकिन लोग वहां फेसबुक ना चला सके क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ यंग ग्रुप के लड़कों ने वहां पर एक ग्रुप बना लिया था जिन्होंने ये किया था कि इसको हम इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने वहां पर एक कानून बनाया जिससे क्या हो गया सिम्बोलिक मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट डिफाइंग जनता एंड प्रोटेस्ट ब्रेक इन द मांडले। तो यहाँ सिंपल से बात आया ट्रीजन अगेंस्ट गवर्नमेंट द वायलेट द ह्यूमन राइट्स इन द होल सिटीजनरी इट इज नॉट अ कॉप एंड दिस इज नॉट अ कॉप दिस इज अ ट्रीजन दिस इज अ ट्रीजन मतलब होगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड आई विल गो से आई विल हैव टू से दैट द स्टेट ट्रीजन किन्सोकी इज अ मेंबर ऑफ मासुकी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी के हैं। उन्होंने कहा कि एक तरीके का बहुत बड़ा एक बंधक बनाना है लोगों को और इस चीज को लेकर काफी तेज विद्रोह देखने को मिला था म्यांमार में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फेसबुक पर, और जिसके बाद सरकार ने फेसबुक वहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी जिससे फेसबुक चलाना वहां पर मुमकिन नहीं होगा। तो ये एक तरीके का संकट है म्यांमार में जो बहुत तेजी से गहराया हुआ है। वहां पर क्या होगा, UN ने भी इस पर कहा अपना इंटरफेयर किया है कि इसको जल्द से जल्द सही किया जाए और काफी हद तक इसे सुधारा जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे आगे, क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन दे दिया गया आपको। क्वेश्चन कहा गया द सेकेंड COVID-19 वैक्सीन शॉट विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय विच ऑफ द इंडियन विच डेट इन इंडिया, मतलब सेकेंड COVID-19 वैक्सीन शॉट विल एडमिनिस्टर्ड कब से होगी शुरुआत होगी। तो क्वेश्चन पूछा गया 13 फरवरी से, 14 फरवरी से, 15 फरवरी से, 16 फरवरी से। आंसर बताना शुरू करें, चलिए कोई नहीं, अब ये क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ा सा स्क्रीन छोटी होती है विजय लक्ष्मी जी, इसलिए दिखा नहीं होगा आपको, डोंट वरी उसको सही किया जाएगा, वो आप थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया लेटर में उसको देख सकते हैं आप। पूछा गया द सेकेंड COVID-19 वैक्सीन शॉट विल बी एडमिनिस्टर फ्रॉम विच इंडियन विच डेट इन इंडिया, कब से शुरू होगी, जल्दी से इसका रिस्पांस करिए। ये वैक्सीनेशन कब से स्टार्ट होगा इसके बारे में बता सकते हैं, वैक्सीनेशन ये स्टार्ट किस डेट से हो रहा है। तो देखिए द 13 फरवरी जो यहाँ पे लिखा हुआ फरवरी 13 द सेकेंड डोज ऑफ द COVID-19 वैक्सीन विल बी एडमिनिस्टर्ड टू द हेल्थ केयर वर्कर्स ऑन 13 फरवरी से होगा। यहाँ पे कहा गया इन्फॉर्म 97% ऑफ द पीपल हु हैव रिसीव्ड द फर्स्ट डोज COVID-19 वे आर सेटिस्फाइड। तो कहा गया है जो उसमें 97% लोग यहाँ पर क्या है सेटिस्फाइड हो गए हैं। द
सेटिस्फाइड है उस चीज से, और उनको सेकेंड राउंड दिया जाएगा कब से, 13 फरवरी से स्टार्टिंग होगी जिनको एक बार वैक्सीनेशन मिल चुका है। तो 13 फरवरी से स्टार्ट होगा यहाँ पर, और ये वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा कब से, 13 फरवरी से, ठीक है, बिल्कुल 13 से होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द हैज एक्सटेंडेड द न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी फॉर 5 ईयर्स विच नेशन, विद विच नेशन क्वेश्चन पूछा गया, किस देश के साथ शुरू होगा ये। द यूनाइटेड स्टेट हैज एक्सटेंडेड द न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी फॉर इंडियन ईयर्स 5 ईयर्स फॉर विच नेशन, किस देश के साथ शुरू किया है ये, तो जापान, रसिया, चाइना, यूके, किसके साथ किया है, बिल्कुल बताया 13 आपका सही था आंसर, 13 फेब, बिल्कुल जिन्होंने बताया सही था 13 फेब उनका जवाब। अब पूछा गया द यूनाइटेड स्टेट हैज एक्सटेंडेड द न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी फॉर 5 ईयर्स विद विच नेशन, जापान, रसिया, चाइना या आपका यूके, किसके साथ होगा ये, तो यहाँ पर देखा गया किसके साथ होगा, तो सिंपल सी बात है रसिया के साथ। द यूनाइटेड स्टेट एक्सटेंडेड द न्यू स्टार्ट मतलब स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी जिसको कहते हैं, स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी जो है विद रसिया है फॉर अनदर 5 ईयर्स के लिए शुरू, क्योंकि रसिया ने खुद उसको एक्सटेंड करने की बात की है। और यूएस स्टेट एंटोनी ब्लिंकिन ने कहा, सेड दैट द वर्ल्ड सेफर अनकंस्ट्रेंड एंड न्यूक्लियर कंपटीशन वुड बी इंडेंजर्ड अस ऑल, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रसिया होगा, ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर रूस, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, हु हैज बीन री हु हैज बीन री इलेक्टेड एज अ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, पूछा गया हु हैज बीन री इलेक्टेड एज बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, पूछा गया प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या होगा, सिंपल से देखेंगे, आशीष सेलार, राकेश सिंह, अजय सिंह या रमेश तोमर, कौन होगा यहाँ पर, आशीष सेलार, राकेश सिंह, अजय सिंह या रमेश तोमर, कौन सा जवाब होगा इसमें, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कौन सा री इलेक्ट किया गया है, इसमें पूछा गया हु हैज बीन री इलेक्टेड एज बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, जल्दी से बताएं इसका, यहाँ पे होगा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कौन प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है किसको, फिर से एक बार, तो यहाँ पे देखेंगे आशी अजय सिंह को किया गया, किसको किया गया है, अजय सिंह को किया गया है, सिंपल बात, अजय सिंह हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ही डिफीटेड फॉर्मर महाराष्ट्र स्पोर्ट मिनिस्टर आशीष सेलार इन द पोल्स एंड अजय सिंह रिसीव 37 वोट्स वाइल द सेलार रिसीव 27 वोट्स एंड बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इलेक्शन हेल्ड ऑन 3 फरवरी, कब हुआ था, 3 फरवरी को ये इलेक्शन हुआ था जिसमें अजय सिंह को प्रेसिडेंट के रूप में फिर से चुन लिया गया, अजय सिंह यहाँ पर आंसर होगा आपका, अजय सिंह सी ऑप्शन यहाँ पे होगा जो इसका जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, रमेश तोमर बता रहे हैं इस पे, नहीं यहाँ पे होगा अजय सिंह। नेक्स्ट पे आते हैं, विच इंडियन सिटी विल होस्ट इट फर्स्ट इंटरनेशनल टेस्ट मैच अमिड द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फेब्रुअरी 5, कौन से शहर में पहली इंटरनेशनल टेस्ट होने वाला है, किस शहर में भारत के आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक के बाद, जल्दी बताएं कौन से शहर में होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ ऑप्शन दिया चेन्नई में, बेंगलुरु में, न्यू दिल्ली में, कोलकाता में, कहाँ पे होगा, चेन्नई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, कोलकाता, कहाँ पे होने वाला है, तो आज को बताएं किन शहर में होने वाला है ये, तो यहाँ पे देखेंगे किस शहर का होगा ये, तो सिंपल सी बात है कहाँ पे, अभी जो आपका रिसेंटली आज से स्टार्ट होने वाला टेस्ट मैच चेन्नई में होगा, तमिलनाडु के चेपक का एक स्टेडियम है, स्टेडियम इन चेपक, एमए चिदम्बरम स्टेडियम का नाम है, और वही चेपक इन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु में होगा 5 फरवरी से, एमए चिदम्बरम, ठीक है, ये आपसे आज से टेस्ट मैच शुरू होने वाला है ये, तो आप यहाँ लिख सकते हैं चेन्नई, या आपका स्टेडियम का नाम भी पूछ सकता है, चेपक होगा या एम एच चिदम्बरम कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, विच कंपनी हैज गॉट द वर्ल्ड फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ द कार्बन न्यूट्रल ऑयल फ्रॉम द यूएस, किस देश को मिला है पहला कंसाइनमेंट ऑफ कार्बन न्यूट्रल ऑयल फ्रॉम द यूएस, कंपनी हैज गॉट द वर्ल्ड फर्स्ट कंसाइनमेंट, तो क्वेश्चन पूछा गया किस कंपनी को मिला है, तो रिलायंस, टाटा ग्रुप, एचएल या डीआरडीओ, इसे दिया गया है ये, बिल्कुल 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 चेन्नई में। नेक्स्ट पूछा गया है,